विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल हर क्षण देश के लिए है। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, हमारे दलित आदिवासी महिलाओं को कितनी पीढ़ियों की जिंदगी कांग्रेस की उपेक्षा के कारण तकलीफ से गुजर गई, लेकिन आज गरीब का बेटा 10 साल से प्रधान सेवक है तो गरीब को कितनी ही परेशानियों से मुक्ति मिली है। साथियों, आपको पता है विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल हर क्षण देश के लिए है, पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 फॉर 2047। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। साथियों, आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं, इतने साल हो गए, मेरी जिंदगी को भी करीबी से जानते हैं, आपने मैं कैसे काम कर रहा हूं सब देखा है। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं, ऐसे लक्ष्य जो आपके बच्चों से, देश के युवाओं से जुड़े हैं। जबकि साथियों, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं की नौकरी में भी लूट के मौके तलाशे हैं। यहां कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसलिए इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले, मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा।
ये मोदी की गारंटी है।